दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फिल्टर की मदद से हम सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरा कोड है और ये मेरा आउटपुट है। तो दोस्तों कोड में मैंने पहले ही से ही कंट्रोलर को क्रिएट करके ही रखा है। आपको पता है कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर दोस्तों आपको कंट्रोलर क्रिएट करना नहीं आता है तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस है उसमें मैंने कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है वो आपको सिखाया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कंट्रोलर में एक वेरिएबल लेना होगा, एरे वेरिएबल। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्कोप, उसके बाद एक कलर्स नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें एरे में स्टोर करवा देता हूँ। तो कुछ कलर के नेम है, मान लो मैं ऐसे स्टोर करवा सकता हूँ रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट में भी सेव करवा सकता हूँ रेड, उसके बाद ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास कुछ कलर है ही, तो इसे मैं सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने ये कलर्स आ गए हैं। मैंने पहले से लिस्ट को कॉपी करके रखा था। तो यहाँ पे मेरे पास ये कलर्स एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो मेरा वेरिएबल है कलर्स, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना होगा, उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं li पे सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये मेरा वेरिएबल कौन सा था, तो आपको मैंने बोला ही था कि एरे वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा ng और यहाँ पे रिपीट डायरेक्टरी का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कोई की वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करना है जिसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर जो हमारा मेन वेरिएबल है कलर्स, उसे मैं स्टोर करवा देता हूँ। तो ये हो गया कलर स्टोर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कलर्स लिखा है वो हमारा कौन सा वेरिएबल है, ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी वैल्यू को, ये जो सभी वैल्यू है ना, उस सभी वैल्यू को मैंने कलर्स वेरिएबल में स्टोर करवाया और ये कलर्स वेरिएबल को मैंने एक और वेरिएबल कलर में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब मैं मुझे सिर्फ प्रिंट करना होगा कलर। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करके आउटपुट पे रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास अब ये सभी कलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जूम इन करके रखा है, तो ये बेसिक, और यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों ये मेरे पास सभी कलर्स प्रिंट होके आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या करना है, सर्चिंग करना है। मान लो ये कलर, मान लो ये अभी तो ये 6-7 ही है, लेकिन मान लो मेरे पास 100-150 कलर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इनपुट, यहाँ पे नेम पे मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो एनजी मॉडल है हमारे पास, ठीक है, मॉडल में हमें वो वेरिएबल को डिफाइन करना है जिसमें हमें वैल्यू इनपुट की स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सर्च। तो जो मैं यहाँ पे इनपुट में जो भी लिखूंगा, मान लो मैंने लगा दिया है सिर्फ हिंदी, तो हिंदी है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, तो ये सर्च पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या करता हूँ, पहले लगा देता हूँ सर्च और इसके बाद मैं एक एचआर ले लेता हूँ ताकि ये दोनों का सेक्शन अलग हो जाए। हाँ, अब ये आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं मान लो यहाँ पे मुझे सर्च करना है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रेड, तो इन सभी में से रेड है वो अभी मेरे पास आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसे मैं फिल्टर की मदद से सर्च करूँगा। तो यहाँ पे जो हमने एनजी रिपीट लिखा है वहाँ पे जाके हमें सिर्फ लिख और की साइन देनी होगी और यहाँ पे लिखना है फिल्टर और, फिल्टर लिखना है आपको। ठीक है, ये फिल्टर है, कीवर्ड है, फिल्टर लिखना है और यहाँ पे आपको करना है कोलन और उसके बाद आपको सर्च कहाँ क्या करवाना था, तो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, तो जो भी आप लिखोगे वो स्टोर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। तो इसी वेरिएबल को हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हमें वो वेरिएबल का नेम लगा देना है। ठीक है, तो अभी फिल्टर हो गया सर्च के साथ, तो अभी इसे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आउटपुट पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी एक कैरेक्टर या पूरा का पूरा वर्ड आप सर्च कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं बी लगा लेता हूँ, तो जिस भी वर्ड में बी आता होगा वो आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मैं एल लेता हूँ, तो यहाँ पे बी ए और एल जहाँ पे है वो दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ टी, तो टी
यहाँ पे आपके सामने यही, तो ये फिल्टरिंग है, वो सिर्फ वर्ड को नहीं बल्कि यहाँ पे आपके सामने कैरेक्टर को भी फाइंड करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरा रेड लिखूंगा तो मेरे पास अब रेड आ गया है, जो कलर मेरे पास नहीं है वो मैं लिखूंगा तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ तो ये तो कलर है नहीं, तो ये नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया अब, तो आपको ये कोड भी लिख लेना है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने पर आपको सब कुछ समझ इजीली आ जाएगा दोस्तों। तो ये सब कोड है, मैं आपको यही हैबिट कहूँगा कि आप ये सभी कोड को एक बुक या कोई पेज पे लिख कर रखें, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।